हेलो स्टूडेंट्स, अच्छा लास्ट क्लास आम ऑपरेशन ऑफ सेट उपरे पढ़ते अच्छा टाइप्स ऑफ सिमेट्री भितर ऑपरेशन सेट गोटे सेट छड़ा होता जोटा कि सिमेट्रिक डिफरेंस सेट छाड़े देख पे सिमेट्रिक डिफरेंस आम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ते बर्तमान आम सिमेट्रिक डिफरेंस द सिमेट्रिक डिफरेंस of two given set A and B is denoted by play A delta B. अब कौन पढ़े हो रीड करियो delta. इधर उपले को यो delta A delta B. A delta B is defined as A delta B equal to A minus B in when B minus A. A minus B in when B minus A. तो A delta B A in when B दिने सूत्र आउच बिले ये ला प्रथम सूत्र a delta b is equal to a minus b in one b minus a out सूत्र अच्छे पहले a delta b is equal to a in one b minus a intersection b बिल्कुल बोलना क्या है रे अच्छा a नोडे इधर प्रथम दूसरे सूत्र डाला पहले a in one b minus a intersection b मो तो हम को डेफिनेशन अनुसार है a delta b is equal to a sutra anusare umbo definition likhuji x such that x belongs to a and x not belongs to b a minus b ro artha kona a minus b ro definition la x belongs to a x da element jota ke a re thibo kintu b re na thibo to x belongs to a and x not belongs to b or inun jinda or x belongs to b b minus a artha x belongs to b and x not belongs to a bujhbal na this is the definition of the symmetry to pile note a delta a equal to kon ho pile a delta a equal to phi and a delta phi is equal to a bujhbal na kare a delta a equal to phi a delta phi equal to a pura example na ba dekho pile le kar kariya a equal to मन A B C D B A B D E बुझ ए बी डी आम डेल्टा भी बाहर अच्छा ए डेल्टा भी बाहर पूर्व तुम दी सूत्र कर ए सूत्र रे पकाई परियो ए सूत्र रे पकाई लो देखो प्रथम सूत्र रे पकाऊ जी फर्स्ट सूत्र रे पकायो ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी इन व्हेन बी माइनस ए फर्स्ट ए माइनस बी बाहर करो ए माइनस बी कले ए बी सी डी अछि ए बी सी डी अछि माइनस ए बी डी ई अछि ए बी सी डी रु तुमको ए बी डी ई माइनस करा हो ए बी डी ई माइनस करा हो कितना हो बोले सी रहो और कितना हुआ सी कहेंगे ए गला रही बी गला रही डी गला रही और लगे थे सी सी ने दिया हमें बी माइनस ए करिया अरे ए बी डी ई माइनस ए बी सी डी कितने जो बोले ए रू ए जी बारी बी जी बारी सी तो नाइ डी जी बोल जाओ कितने रहेगा ई रहेगा जी कितने रहेगा तुम पर ए बी डी ई अच्छी तो हम तो मार्क लेके दे ए बी सी डी मुझे तुम पर को क्या दे परी ए दे परी बी दे परी सी तो दे परी नहीं डी दे परी मुझ पर तो ना कह रहे तार था मोबाइल सी नहीं मुझे ए दे दे ले बी दे दे ले डी दे दे ले मोबाइल कितने बोल गिला सी रहेगा ए ई रहेगा तो ना कोई ए बी डी ई रो ए बी सी डी पहले आप कितने रहेगा ई तो इधर कौन बोला गया a delta b is equal to a minus b उत्तर कौन है a minus b in when b minus a equal to a minus b equal to कितने c in when b minus a equal कितने e तो इधर in when कर कितना सी हो c e बुझ बोल लो पहले अच्छा ये ना प्रथम सूत्र अनुसार तुम कैलकुलेशन करो ये ना फर्स्ट सूत्र अनुसार है तो जब हमें सेकंड सूत्र अनुसार कैलकुलेशन करिया a डेल्टा b इज इक्वल टू कहते ना a इन वन b माइनस a इंटरसेक्शन b फर्स्ट a इन वन b बाहर करो a इन वन b a इन वन b वाले ए कितना अच्छी a b c d अच्छी a b d अच्छी
ए ए गोटे ले लिखाबो बी बी गोटे बी लिखाबो सी गोटे सी तापरे डी तापरे ई ए बी सी डी ई तापरे की आछो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन ले कॉमन एलिमेंट की अछि ए र ए अछि बी की बी अछि डी की डी अछि तले कॉमन एलिमेंट के रहला ए बी डी बुझ बलो तो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी इक्वल टू सूत्र कोण ए इनवन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी देखो ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई माइनस ए बी डी ए गला बी गला डी गला अब बड़ा कितना रहला पिले सी ई हेलो ना ठीक है देखो प्रथम सूत्र अनुसार एटा प्रमाण करले द्वितीय अनुसार सूत्र मते एटा प्रमाण करले बुझि पाला त दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस हला अच्छा टाइप्स ऑफ सेटिंग सब रे गेला एबे हमें देखिबा किछि प्रॉब्लम जोटा कि डेफिनेशन काली पढ़ाइला लास्ट क्लास रे पढ़ाइला इनवन इंटरसेक्शन रो कम्युटेटिव और एसोसिएट पढ़िलो एबे पिले देखो तीन गणित दौर ए इनवन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इनवन बी इंटरसेक्शन ए इनवन सी नंबर दुई ए इंटरसेक्शन बी इनवन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इनवन ए इंटरसेक्शन सी नंबर तीन ए माइनस बी इनवन सी इक्वल टू A minus B intersection A minus C देखियो ठीक है ना बोलो जी डेफिनेशन माध्यम से ही प्रमाण करियो पिले एग्जांपल एबीसीड नहीं प्रमाण कर दो नहीं देखो फर्स्ट डा A इनवन B intersection C equal to A इनवन B A इनवन B इंटरसेक्शन A इनवन C अच्छा फर्स्ट नंबर LHS A इनवन B इंटरसेक्शन C जिमदी करथले लेट X बिलोंग्स टू A इनवन B इंटरसेक्शन C એટલે આકુ નબો A આકુ નબો B ધરિન્યો B એટલે આકુ નબો A આકુ નબો D ये हला पले ए ये हला पले डी तो ए इनवन डी रो ए ये फिटेबो ए माने डेफिनेशन मेथड इनवन इनवन रो डेफिनेशन ता फिटेबो डे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू डी डी बोले को बुझेबो ए टोटल ला बुझेबो बी इंटरसेक्शन सी बुझबल अच्छा देख अगेन एक्स बिलोंग्स टू ए और एडो फिट आउट रे आ डिफरेंस कोण बी इंटरसेक्शन सी रो डिफरेंसन अच्छा फिट ले केता हो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी हला एबे कोन करबो मल्टीप्लिकेशन रो ले कला पड़ दो एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू ए और देखो पहिले हम लिखु छी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी तबरे एंड रख दो X belongs to A, X belongs to A or X belongs to C. अगर again repeat कर देखो, X belongs to A or X belongs to A or X belongs to B, X belongs to A or X belongs to B. तापर एक डेफिनेशन रखियो, तापर X belongs to A or X belongs to C. तो double implies X belongs to A and X belongs to A or X belongs to B that the X belongs to A and B and X belongs to A or X belongs to C then X belongs to A and C have you ever got a photo of you A and B putra bala X belongs to A and X belongs to B and like that going over intersection is you implies x belongs to a inwan b intersection ketha ba
ए इनवर्स सी। अच्छा पिल्ले देख लेटे एक्स्ट्रा नेइसले काइरो एलएचएसएस एक्स्ट्रा पाइले काइरो आरएचएसएस देख जना एटा हो आरएचएस तमरो ये हो तमरो आरएचएस याकु नै त एलएचएसएस पाइले आरएचएस ले कोन लिखियो पिल्लेटे लिखा हो कोन लिखा हो 10 काई एक्स्ट्रा एलएचएस नैतला पाइले आरएचएस माने एलएचएस सबसे आरएचएस लिखियो ए इनवर्स बी इंटरसेक्शन सी ए सबसेट ए इनवर्स बी इंटरसेक्शन ए इनवर्स सी एंड अगेन इट उल्टो ए इनवर्स बी इंटरसेक्शन ए इनवर्स सी सबसेट ए इनवर्स बी इंटरसेक्शन सी काई की एक्स्ट्रा एलएचएस रु पाइतो आउ आरएचएस रु बात पाइयो तनो एलएचएस एलएचएस सबसेट आरएचएस आरएचएस सबसेट एलएचएस मन रखे तो पिले एलएचएस सबसेट आरएचएस आरएचएस सबसेट एलएचएस देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस सी इक्वल टू ए इनवर्स बी इंटरसेक्शन ए इनवर्स सी प्रूफ प्रमाण दे पाला बुझी पाला पिले प्रमाण दे पाला तो अच्छा बी इनवर्स सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अच्छा पहले ए माइनस बी का डेफिनेशन कौन है ना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी ए रे थिबो बी रे नथिबो सिमिलरली एलएचएस तो ना बैठे A minus B inverse C। इड़ा को A नियो पिले, इड़ा को B नियो, टोटल लगो। Let नगो, let X belongs to A minus B inverse C। भाभी जो B inverse C कोटे पता? B inverse C कोटे बोलता है जो D, that is a D। तो A minus D ये लम, तो तू फिट्टे बज जामे हैं। डेफिनेशन सरे X belongs to A सूत्र अनुसार x बिलोंग्स टू ए एंड कौन बोले x नॉट बिलोंग्स टू डी डी माने के बी इनवर्स सी डी माने के बी इनवर्स सी। अच्छा इले बन रखी तो जतना हमें बी x नॉट बिलोंग्स टू बी इनवर्स सी फिटेबा डी मॉर्गन्स लॉ प्रमाण करतले लास्ट क्लास से x बिलोंग्स टू ए एंड एरे तो फिटा हबो x not belongs to b एटा और हवा कथा किंतु कोन हो जो एंड हो जो जदी फिटा हो कोन हो पिले x not belongs to c काई के होबाटा मु कहि दउ जे काई के होबो लॉजिक रे पढाइला पिले तुमको नेगेशन ऑफ p और q नेगेशन ऑफ p और q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q मन बगोटा लॉजिक रो तना नेगेशन अर्थ माने टू से एडा मतलब एक्स नॉट बी इनवर्स सी अछि माने और अछि अब जे तुम फिटे बाटा को एक्चुअली फिटे लेके दे दंदा यदि हमें खाली एक्स बिलोंग्स टू बी इनवर्स सी यदि करथन तो यदि फिटे था तो कौन करथन तो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी लिख दंद एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी लिख दंद किंतु नॉट बिलोंग्स टू अछि यदि नॉट बिलोंग्स टू बी इनवर्स सी हैला ताले कौन हो पिले अकॉर्डिंग दिस रूल अनुसार एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और ता कोन जो एंड इज जो एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी डी मॉर्गन्स नियम अनुसार बुझ पालो ना कहे। अच्छा देखो अच्छा एक्स एबे एबे बर्तन मल्टीप्लाई कर दियो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एडा x belongs to a and x not belongs to b tar end tar also multiply kar x belongs to a and x not belongs to c x belongs to a and x not belongs to b and x belongs to a and x not belongs to c to close kar diyo
By the definition of A money should be X belongs to A and X not belongs to B. That means X belongs to A minus B. It end of the end of the intersection. You know, it on the get the end of the top of the close area. And it on the get the play. X belongs to A minus C. So, ye gutte pada, ye be gutte pada. X belongs to Babido A. This is then B. Blackboard the call. And around the A, and around the B. So, X belongs to A and X belongs to B. No, that's the intersection. Tala X belongs to A mane A minus B. Intersection B mane A minus C. X belongs to A minus B and A minus C. Elame X na length lagairo, LHS ro pi lagairo, RHS. Pramanit hai pala. So tu likhiya pile 10 A minus B inman C equal to A minus B intersection A minus C. See the equal to the subset. So, and A minus B intersection A minus C equal to A minus B inman C. AB subset. Therefore, A minus B inman C equal to A minus B intersection A minus C. Pramanit approved. Mujhe bolo da. Kitne minute hai mujhe? Na? Hello, bale. Mujhe bolo kaun doubt ho se pachar lo. Gracias.